और आप देख रहे हैं नाम मिथिलेश देवी। मेरे पति का नाम राजकिशोर। मेरे पति घर से निकले, सांड ने रगदा लिया, सांड ने रगदा रगदा के मार दिया जान से। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं क्या करूं? मेरे घर में खाने का नहीं है, छप्पर भी पड़ा है टूटा फूटा, मैं कहाँ से लाऊं खाने को, बच्चों को जियाऊं? बोल दो। बच्चे मेरे दो बेटी हैं, एक बेटा है। आज हमारे किसान साथी सभी गेंट नंबर 11 के ग्राम गिरधरपुर आए हुए हैं। यहाँ कल सुबह एक आवाज़ सांड ने हमारे किसान भाई राजकिशोर, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, सुबह उठकर शौच के लिए जा रहे थे, आवारा सांड ने हमला कर दिया। आपको दीवार में दिखाई पड़ रहा होगा, जो दीवार को भी खोद दिया है, इतना खूंखार सांड था, जिससे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इनके माता जी के नाम कुछ ज़मीन है जिसकी वरासत अभी तक नहीं हो पाई थी। इनकी एक लगभग शादी करने योग्य लड़की और दो, एक छोटी लड़की, एक और छोटा लड़का जो नाबालिग हैं, इनको सरकार से सहायता देनी चाहिए, क्योंकि आवारा सांडों ने हमारे पूरे क्षेत्र में उत्पात मचा चुके हैं। कि लगभग 3 माह पहले दुलारे पुत्र काशी निवासी शेरपुर थाना हैदराबाद पर आवारा सांड ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। अभी गांव अमिलिया के 3 दिन पहले तुलसीराम पर सांड ने हमला कर दिया, वो जिला चिकित्सालय रेफर हुए, वहाँ बड़ा मुश्किल से उनकी जान बच सकी। और ये ऐसा क्षेत्र है लखीमपुर जनपद का जहाँ जंगली सीमाएं लगी हुई हैं, यहाँ खूंखार जानवर टाइगर जोन से प्रभावित हैं। टाइगर आए दिन किसानों को निवाला बना लेते हैं। खेत बचाने के लिए मजबूरी है किसानों को, आवारा सांड से रात में पशुओं से अपने खेत को भी बचाना पड़ता है, और कभी कभार हाथी भी इधर किसानों को उत्पात मचाते हैं। लेकिन किसान की जो किसान सम्मान निधि की योजना चल रही है, इसका लाभ दिखावा है सभी किसानों को नहीं मिल रहा, लेकिन जो फसलों का नुकसान होता है, बीमा कंपनियां बीमा का पैसा काटती नहीं देती, और सरकार कहती है कि ग्राम ODF हो गया, लेकिन अगर इनके पास शौचालय बना होता तो ये बाहर नहीं जाते, अपने शौचालय का प्रयोग करते तो शायद इनकी जान बच जाती। लेकिन सरकार कह रही है कि ग्राम ODF हो चुके हैं, शौचालय पूर्ण हो चुके हैं, और इनका शौचालय नहीं बना होने के कारण ही इनकी जान गई। सिंह समाज सेवी ग्राम हजरपुर का रहने वाला हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहूंगा कि जो हमारे भाई किसान की मृत्यु हुई है जिन कारणवश, और मेरी आवाज़ और सारे लोगों की आवाज़ जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, उच्च स्तर तक पहुंचे, ताकि इनके लिए जो भी सरकार की नीतियां, उस नीतियों के द्वारा इस परिवार की सहायता हो सके, ताकि ये परिवार जो है बहुत ही गरीब है, और इस परिवार के लिए जो भी अनुदान सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है वो इनको दिया जाए, और इनके खास करके इनके शौचालय की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं उनसे भी मैं सब निवेदन करूंगा कि घर घर आके देखें, और जो हमारे क्षेत्र में इस समय जानवरों का तांडव मचा हुआ है, एक तरफ तो सरकार हमारे फसलों के अवशेष जलाने से हमें मना करती है, और प्लस ये जानवर जो आवारा जानवर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार इनकी व्यवस्था करे, ताकि आए दिन जो रास्तों पर एक्सीडेंट होते हैं इन जानवरों के कारण, और आए दिन कोई ना कोई घर जो उजड़ जाता है, किसी बच्चे का पिता चला जाता है, किसी घरवाली का पति चला जाता है, किसी माँ का बेटा ख़त्म हो जाता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार को इन आवारा पशुओं के ऊपर भी कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि इनके भी रोग लगे।
हाँ, मैं राम कुमार, नाम पिता का नाम सोमवारी है। हमारे भाई को आवारा साढ़ ने मार दी, रगदा रगदा कर मार दिया। और हमारा वो परिवार बहुत गरीब है, उनके घर में खाने को नहीं, वो कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो सरकार से यही विनती है कि उनको कुछ न कुछ लाभ दिया जाए। गांव का नाम ग्राम गिरधरपुर, पंचायत ग्रंट नंबर 11।